वन कैसे हैं आप लोग तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में इजी चिकन स्टार्टर बनाने की रेसिपी जो कि है शेज़वान चिकन बाइट्स इसे आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए बहुत मजे की बनती है और बहुत आसान है बनाने में सबसे पहले हमें इसको बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया हुआ है जिसको मैंने बाइट साइज़ के पीसेस में कट किया है अब इसमें मैं वन टेबल स्पून लहसन अदरक की पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसी के साथ मैं इसमें वन टेबल स्पून विनेगर ऐड करूंगी आप इसकी जगह पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इसी के साथ मैं इसमें हज ज़रूरत टेस्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन एक से डेढ़ छोटे चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ नमक डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मिर्च पाउडर तकरीबन मैंने वन टी स्पून ऐड करी है और अब मैं इन सारे मसालों के साथ में चिकन को बिल्कुल अच्छे से मसाले लगा दूंगी जिससे मसाला चिकन के अंदर तक चला जाए और चिकन फ्लेवरफुल बने तो चिकन पे सारे मसाले हमें बिल्कुल अच्छे से लगा देने इस तरह से ये मैरिनेट हो जाएगा तकरीबन इसको दस से पंद्रह मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए कवर कर कर रेसिपी के नेक्स्ट पार्ट में हमें एक बोल लेना होगा जिसमें हमें तकरीबन दो बड़े चम्मच यहाँ पे लेना है रिफाइंड फ्लावर और इसी के साथ जितना मैंने रिफाइंड फ्लावर लिया है उतना ही हमें लेना होगा कॉर्नफ्लावर कॉर्नफ्लावर की वजह से ये क्रिस्पी बनता है और मैदे से अच्छी बाइंड मिल जाती है इसको इसी के साथ इसमें मैं हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ प्लस थोड़ा सा हाफ टी स्पून के लगभग मैंने इसमें नमक ऐड करी है क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते टाइम भी हमने नमक डाला है तो नमक बहुत थोड़ा सा जाएगा और अब इसमें तकरीबन एक चौथाई कप पानी डालिए और पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए यहाँ पे हमें एक बैटर जैसा बनाना है गाढ़ा बैटर बनाना है जो कि लम फ्री होगा इसीलिए आप इसमें थोड़ा पानी करके कर डालेंगे तकरीबन आपको एक चौथाई कप और उसके अलावा एक दो बड़े चम्मच और पानी लग जाए उससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा क्योंकि हमें इसका गाढ़ा मिक्स तैयार करना है पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस तरह की कोटिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए होगा हमें इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है ये बैटर रेडी है अभी हमारा जो मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन था जिसको मैंने पंद्रह बीस मिनट के लिए रखा था मसाले लगाकर वो हमें इस बैटर में डाल देना है और अब हमें इस बैटर के साथ में चिकन को पूरा अच्छे से मिक्स दे देना है ये देख सकते हैं आप कि बैटर कितना गाढ़ा था कि चिकन के ऊपर एक पतली सी कोट आ गई है इसी तरह का हमें कोटिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है और सेकेंड स्टेप में हमें मैरिनेट किए हुए चिकन को इसमें कोट कर देना है अच्छे से मिक्स कर कर मिला देना है ये चिकन बिल्कुल अच्छे से अब इसके ऊपर मिल चुका है मिर्च की वजह से कलर भी बहुत अच्छा आया है मैंने देगी मिर्च पाउडर यूज़ किया था फ्रेंड जिसकी वजह से कलर अच्छा आया है नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि एक पैन लेना है और उसमें हमें ऑयल ऐड करनी है और हमें शैलो फ्राई करने जितना ऑयल इसमें डाल लेना होगा और इसको अच्छा गर्म कर लेना है जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है तो इसमें अब मैं एक एक चिकन ले रही हूँ मसाले या कोटिंग जो है उसको अच्छे से इसमें बाइंड कर रही हूँ और यहाँ पे हाथों से डालती जा रही हूँ आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं पूरा अच्छे से डाल लीजिएगा और डालकर फ्लेम हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे इसको एक दो मिनट तक सिकने दीजिए जैसे ही एक दो मिनट हो जाएगा आप इसकी साइड चेंज कर लीजिएगा और ये अच्छे से सिक रहा होगा तो जब तक ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक गल नहीं जाए सॉफ्ट नहीं हो जाए और ऊपर से कलर नहीं आ जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है तो पहले तो एक दो मिनट के बाद में इसकी साइड चेंज कर दें फिर लगातार इसको फ्लेम हाई करते हुए तीन चार मिनट तक फ्राई करें फिर फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इसको डालने टाइम हल्का सा मीडियम हॉट ऑयल रहेगा तभी इसमें डालें इसीलिए लिए दो तीन मिनट तक लगातार शुरुआत के फ्लेम हाई रहे और हाई रहेगी फ्लेम तो बहुत अच्छा सा तेल गर्म होगा और चिकन इसमें गलता जाएगा अब देखिए मैंने बीच में दो तीन मिनट के लिए मीडियम की है फ्लेम क्योंकि चिकन को अंदर तक गलना भी तो है इसीलिए बहुत अच्छे से ये फ्राई होगा अंदर से सॉफ्ट जूसी रहेगा चिकन और ऊपर से बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा तो ऑल टुगेदर इसको लग जाएंगे लगभग छः सात मिनट और पूरा पूरा फ्राई होने में और ये देखें बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन सा हो गया है ये तो इसको मैं निकाल कर साइड पे कर लेती हूँ और अब एक मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने दो टेबल स्पून ऑयल गरम किया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप लहसन यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून लहसन लिया है और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ लहसन जब हल्का फ्राई हो गया है इसका फ्लेवर इसमें आ गया है तो हमें इसमें दो पीस हरी मिर्च डालनी है बारीक काट कर और इसे भी हमें साथ में ही फ्राई कर लेना है तो लहसुन और हरी मिर्च को हमें शुरुआत में एक दो मिनट हल्का फ्राई कर लेना है जिससे लहसन का कलर गोल्डन हो जाए और मिर्च भी इसमें अच्छा फ्राई हो जाए अब इसमें मैं दो प्याज़ डाल रही हूँ मीडियम साइज़ की और प्याज को मैं लगातार कैरमलाइज होने जितना फ्राई कर लूंगी बहुत ज़्यादा इसका डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन सा कलर नहीं आने देना है हल्का सा ये कैरमलाइज होगी पिंक होने लगेगी उसी टाइम हमें इसमें शेजवान डालनी है क्योंकि शेजवान चिकन बाइट्स से इसमें पूरा अच्छा फ्लेवर शेजवान का आता है तो तकरीबन थ्री टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाली है और डालकर मैं इसको अच्छे से मिलाकर मिक्स कर दे रही हूँ शेजवान की वजह से इसमें फ़्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये बाइट्स बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से बनते हैं और फ्रेंड्स और बनाने में भी बहुत आसान है इसी के साथ मैं इसमें दो से तीन बड़े चम्मच केचप ऐड कर रही हूँ साथ में मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैं शुगर भी इसमें डाल रही हूँ हल्का सा स्वीट एंड टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे शुगर ऐड किया है और डालकर इसको अच्छे से मिला दिया है और अब ये जो सॉस रेडी हो गई है तो हमें हमारा सारा फ्राई करके कर कर रखा हुआ चिकन ऐड करना है यहाँ पे सॉस में सारे फ्राई किए हुए चिकन को डाल दीजिए और उसके साथ इसमें थोड़ा खूबसूरती के लिए प्लस फ्लेवर के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए और अब सॉस के साथ में बिल्कुल अच्छे से मिला दीजिए जिससे सॉस का सारा फ्लेवर चिकन के अंदर चला जाएगा और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे सारा फ्लेवर मिलकर रेडी हो जाएगा ये चिकन तो ये शेजवान बाइट्स बहुत ही मजे की लगती है फ्रेंड्स आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एज अ स्टार्टर इसको आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी है बहुत ज़बरदस्त है और बनाने में बहुत आसान है आप चाहे तो चिकन को पहले से बनाकर रख सकते हैं फ्राई कर कर जिप लॉक बैग में और जब आपको सर्व करनी है सॉस बनाएं और सॉस में डाल दें तो वो और ईज़ी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको जल्दी प्रिपेयर कर पाएंगे तो झटपट फटाफट से हमारा ये शेज़वान चिकन बाइट्स बनकर तैयार हो गया है एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही मजे का है बहुत टेस्टी है और बनाने में बहुत आसान है तो एक बार जरूर बनाए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी जरूर बताइएगा अगर रेसिपी पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम एक नई धमाकेदार ज़बरदस्त रेसिपी लेकर तब तक अपना ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिएगा बहुत ही आसान झटपट तरीके से ये शेजवान चिकन बाइट्स एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपने मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा चलिए फिर मिलती हूँ मैं तब तक अपना ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिएगा बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग